नेक्स्ट चैप्टर के कलर हैंडेड नोट्स तब अपलोड होंगे जब इस वीडियो के 1000 व्यूज हो जाएंगे। इस वीडियो में बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 के हैंड रिटन नोट्स के बारे में। तो कलर हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूं, किस तरह से ये नोट्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस तरह से जो न्यूमेरिकल मैंने इनमें डाले हैं, PYQ डाले हैं, उनके अलावा क्या चीज आपको करनी है, सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील जांगड़ा और आप सबका स्वागत है प्यूटन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की बहुत सारी वीडियो, चाहे आपकी वो क्लास 11th 12th के फिजिक्स के रिगार्डिंग हो या फिर कलर हैंड रिटन नोट्स के रिगार्डिंग, वो सब जो है टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है। तो अभी सब्सक्राइब कर लो भाई जाके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। साथ में टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि कलर हैंड रिटन नोट्स कई बार क्या होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं होते, तो मैं वहां पे कॉपी उसकी सेंड कर देता हूँ। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करूंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैंड रिटन नोट्स। कलर हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद मैंने बनाए हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि प्रिंटेड नोट्स हैं या कहीं से डाउनलोड किए हुए, खुद दो तीन बुक से देख के फिर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। देखिए आपको क्या करना है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना, इजिली डाउनलोड हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात भी, डाउनलोड तो क्या है, जैसे मैं डाउनलोड बोलता हूँ कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो बच्चे क्या करते हैं आगे की बातें नहीं सुनते हैं, वो क्या करते हैं सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, बात खत्म, ठीक है। बट मैं आपसे क्या आपको एक बात बता रहा हूँ भाई, देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हो ना और उस काम का आपको रिवार्ड ना मिले तो आप उस काम के लिए खुश नहीं होते, ठीक है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने सोचा है कि मेरे चैनल से क्या होगा, कोई भी चीज आपको पेड नहीं मिलेगी, चाहे वो क्लास 11 12th की फिजिक्स की वीडियोस हो, लेक्चर वीडियोस हो, या फिर आपके कलर हैंड रिटन नोट्स हो, या फर्दर जो भी आगे आने वाली जैसे कि DPPs होंगे, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले, ठीक है। बट अब से मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक रिवार्ड रख रहा हूँ, मतलब एक कॉस्ट रख रहा हूँ कलर हैंड रिटन नोट्स का। पैसे की बात नहीं है, पैसे नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट चैप्टर के कलर हैंड रिटन नोट्स तब अपलोड होंगे जब इस वीडियो के 1000 व्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के 1000 व्यूज हो जाएंगे तब करेंगे भाई, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना भाई, शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर नेक्स्ट चैप्टर्स के जल्दी से जल्दी आपको क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी क्या चाहिए, कलर हैंड रिटन नोट्स। कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब वो बोल देते हैं कि सर हमने शेयर कर दिया, बट मुझे पता होता है कि शेयर इतना नहीं करते हैं वो, ठीक है। शेयर करने का एक सिंपल सा तरीका भी आपके पास, क्या करना है आपको, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लो, जो ग्रुप्स हैं आपके पढ़ने वाले उनमें सेंड कर दो, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है, तो सब में सेंड कर देना भाई। जहां भी आपको लगे कि यहाँ पे आप लिंक शेयर कर सकते हो तो वहां पे शेयर कर देना। जैसे ही इस वीडियो के 1000 व्यूज होंगे वैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर के कलर्ड हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज फिर आपको लंबा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखिए वैसे तो क्या है, फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट में ये बता सकता हूँ कि मतलब कौन से टॉपिक बार बार आए हैं, मोर फ्रिक्वेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है, एक तो है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जितने भी कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला हो, चाहे उसकी रिलेशन हो करंट के साथ, चाहे मोबिलिटी के साथ हो, चाहे करंट डेंसिटी के साथ हो, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी आपका, रेजिस्टिविटी का है, रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टिविटी में खासकर टेम्परेचर डिपेंडेंस का जो टॉपिक है, किसका, टेम्परेचर डिपेंडेंस का जो टॉपिक है, उस पे हर बार देखा गया है कि भाई जो 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो पक्का बनते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, वो है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर अगर मैं लिख रहा हूं तो इसमें उसकी एप्लीकेशन भी आ गई, ठीक है, उसकी वर्किंग डायग्राम सब आ गई। अब बात करें भी, देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप यही करो, बहुत सारे टॉपिक आपको करने होते हैं। मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाने, ठीक है। कई बार बच्चा क्या होता है ऐसे टॉपिक छोड़ देता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मेरा मोटिव है कि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊं, वो आपका काम है कि उनको छोड़ के नहीं जाना, वो तो पढ़ने ही पढ़ने, बाकी सब भी पढ़ना आपको, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कलर हैंड रिटन नोट्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, शेयर कर देना, ज्यादा अच्छा रहेगा,
अच्छा इसलिए है कि जैसे ही आप शेयर करोगे तो व्यूज बढ़ेंगे, और व्यूज बढ़ने से क्या होगा, 1000 व्यूज होते ही मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूंगा, चैप्टर फोर्थ के नोट्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इस तरह के नोट्स हैं, या फिर जो भी आपको क्वेरी हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां पे डीएम कर देना कोई भी क्वेरी। मीन्स आपकी अगर किसी मतलब मान लीजिए मैंने नोट्स जो आपको दिए हैं, अगर उससे रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है कि सर नोट्स में ये चीज कैसे लिखी है आपने, या आप पूछना चाहते हो कि इनमें जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपने डाले हैं वो किस तरह से हमको करने हैं या और करने हैं नहीं करने हैं, ये सब चीजें आप कहाँ पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डीएम करना मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और साथ में भी जो मैंने इसमें क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं, न्यूमेरिकल डाले हैं, कई टॉपिक्स के डाले नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उन टॉपिक्स के नहीं करना, उसका मतलब ये कि उन टॉपिक्स के बहुत ज्यादा हैं, तो नोट्स में अगर डालता है तो नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के भी आपको अपनी 10 ईयर बुक से कर लेना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, इसी के साथ एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार।